रेलवे स्टेशन पर यदि आपका नेट पैक खत्म हो जाए, रेल से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए दिक्कत आ रही है, तो सोचने की कोई बात नहीं। जब तक आपका नेट पैक रिचार्ज नहीं होता, तब तक आप आसानी से स्टेशन पर फ्री वाईफाई सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपना काम निपटाने के बाद आप आसानी से मार्केट में अथवा किसी की सहायता से अपना नेट पैक रिचार्ज करवा सकते हैं। रेलवे ने दीपावली पर पठानकोट से जलंधर, अमृतसर व जम्मू तवी रेल सेक्शन पर सफ़र करने वाले हजारों यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई सुविधा का तोहफा दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई बार भारत को परमाणु हमले की धमकी तक दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का जवाब देते हुए भारत ने भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का दुस्साहस करने का प्रयास करता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से चले आ रहे तनाव के बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट ने काफ़ी डराने वाले आंकड़े पेश किए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध होता है तो 10 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। साइंस एडवांस की प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध स्थिति बनती है तो दोनों देशों में काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर भारत को आगाह किया। अमेरिका ने कई देशों की ओर से यह चिंता व्यक्त की है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी एक बार फिर सीमा पार से भारत में आतंकी गतिविधियां कर सकता है। अमेरिका ने कहा है कि वे सभी आतंकी जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने से बौखलाहट में हैं। इसकी वजह से वह भारत में हमले की योजना बना सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्ती भरे लहजों में कहा भी है कि पाकिस्तान इन आतंकी समूहों पर लगान लगाए। अमेरिका में मैक्सिको सीमा से ही होने वाले घुसपैठ को रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर बेचैन हैं कि वो चाहते हैं कि सीमा पर बनाई जाने वाली दीवार में करंट दौड़ाकर उसे चाक चौबंद कर दिया जाए। दीवार के ऊपर कांटेदार तार बिछाई जाए जिससे घुसपैठिए छलनी हो जाएं। इसके अलावा उस दीवार के साथ साथ ही काफ़ी चौड़ी खाई बनाई जाए जिसमें पानी भरा हो और उसमें सांप और घड़ियालू छोड़ दिए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में सलाहकारों के साथ बैठक में ट्रंप ने अपने ये विचार रखे थे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका मैक्सिको पर सीमा पर बन रही स्टील की दीवार का काम तेजी से चल रहा है। 22 किलोमीटर दीवार बनाई जा चुकी है। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र और भी तेज होने वाली है। घाटी से आसमान में निगाहें बानी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को 50 ड्रोन मिलेंगे जिसमें उनकी निगरानी प्रणाली और मजबूत हो जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस 50 मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन के जरिए आसमान से भी आतंकियों पर नज़र रखेगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी हो चुकी है। इन ड्रोनों से पुलिस आतंकी गतिविधियों और प्रदर्शनकारियों पर अपनी पैनी नज़र रख सकेगी। Shopee, J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet.